Hello students, let's see the question. 100 gram of a mixture of CaCO3 and Na2CO3 was ignited strongly, which forms 11.2 liter of CO2 at STP. Then the mass ratio of Na2CO3 and CaCO3 in the mixture will be. Okay, तो चलो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है समझ लेते हैं. एक मिक्सचर है जिस मिक्सचर में CaCO3 और Na2CO3 है और मिक्सचर का पूरा मास क्या है 100 ग्राम है. ठीक है, और जब हम लोग इस 100 ग्राम मिक्सचर को हीट करेंगे, इग्नाइट करेंगे, तब हम लोगों को मिलता है 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है इस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है, मतलब Na2CO3 और CaCO3 का रेशियो क्या है. आई थिंक क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर CaCO3 और Na2CO3 दोनों का टोटल मास है 100 ग्राम. तो चलो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि CaCO3 जो है इसका मास x ग्राम है, तो ऑब्वियसली Na2CO3 इसका मास हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम. आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ व्हेन वी इग्नाइट द मिक्सचर वी गेट 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP. दैट मीन्स 11.2 लीटर CO2 मीन्स 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, दैट मीन्स 0.5 मोल CO2 गैस. ओके, तो हम लोग जब CaCO3 और Na2CO3 को हीट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होता है हम लोग पहले देखेंगे. तो जब हम लोग Na2CO3 को हीट करेंगे, इग्नाइट करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. दैट मीन्स यहाँ से कोई भी CO2 गैस फॉर्मेशन नहीं होगा. और जब हम लोग CaCO3 को इग्नाइट करते हैं, तब क्या होता है, CaO प्लस CO2 गैस फॉर्मेशन करते. इसका मतलब होता है ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर से ओनली CaCO3 CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है, Na2CO3 से कोई भी CO2 गैस नहीं आता है. दैट मीन्स यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड दैट इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन द मिक्सचर. दैट मीन्स वी कैन से कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, CO2 का जो मोल नंबर है मतलब 0.5 मोल के साथ इक्वल हो जाएगा. क्लियर, तो मास ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, इसके साथ मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करो, 0.5 इंटू 100 दैट मीन्स 50 ग्राम. तो मिक्सचर में CaCO3 का मास 50 ग्राम हो गया, तो मास ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 दैट मीन्स 50 ग्राम. तो मिक्सचर का मास रेशियो क्या आ रहा है, मास ऑफ CaCO3 इज टू मास ऑफ Na2CO3 दैट इक्वल्स टू 50:50 दैट मीन्स 1:1. दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर.